हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एम सी क्वेश्चन रिलेटेड टू ईएसआई आई डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना रेशियो एनालिसिस के एम के साथ तो प्रीवियस सेशन में भी हमने रेशियो एनालिसिस के एम डिस्कस करे थे और वो कंप्लीट नहीं हुए थे इसीलिए आज भी मैंने रेशियो एनालिसिस के एम उठाए हैं और रिमेनिंग रेशियोज से रिलेटेड हम आज एम सी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं बता दूं हम कर क्या रहे हैं हम चैप्टर वाइज एम सी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सारे चैप्टर वाइज एम सी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एम सी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करवा दिया है वहाँ से आप ईजिली देख सकते हैं तो आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस से बचे हुए रिमेनिंग एमसीक्यू क्वेश्चन ठीक है तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम है ई एस डिप्टी डायरेक्टर अनुज जिंदल से यहां पे आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ठीक है और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पे आपको डेली जीके खुजिश टॉपअप स्ट्रेटेजीज ईयर पेपर्स एग्जाम अपडेट्स लाइव वीडियो सेशन मंथली जीके क्विजेस सब कुछ अपडेटेड मिल जाएगा एक ही जगह ठीक है और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं या अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब एम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका स्कोर सही नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए जल्दी से अनुजिंदल डॉट इन पर जाइए अनुजिंदल पर जाके ई एस आई सेक्शन में जाके इनरोल कर लीजिए उधर आपको एक एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियोस और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे जिसके बाद जिसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी तो चलें आज कंटिन्यू करें अपने रेशियो एनालिसिस के साथ तो फाइव क्वेश्चंस मैंने फिर से उठाए हैं रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड अब हमें करना क्या है कि एक पेपर उठाना है पेपर पे 1 2 5 लिख लेना है और चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हो रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड अगर नहीं हो रहे तो हमें रेशियो एनालिसिस को रिवाइज करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग दमेशन कैलकुलेट पीई रेशियो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टेन दे रखा है प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं प्रॉफिट दे रखा रखे डेप्रिश देखा है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है फिफ्टीन टाइम्स सिक्स टाइम्स सेवनटीन एटीन टाइम्स हमें निकालना क्या है पीई रेशियो कैलकुलेट करनी है तो चलो जल्दी से बताओ पीई रेशियो e. हमारा आता किस में है हमने कैटेगरीज पढ़ी थी रेशियोज की कौन कौन सी होती हैं लिक्विडिटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो एक्टिविटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पी रेशियो किसमें कवर्ड होती है प्री ई रेशियो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कवर्ड होती है लेकिन वो अभी क्वेश्चन नहीं है हमारा क्वेश्चन क्या पीई रेशियो कैलकुलेट करना सर पीई की फुल फॉर्म क्या है प्राइस अर्निंग रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो और पीई रेशियो .E. का फॉर्मूला क्या होता है सर पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन में अर्निंग्स पर शेयर यही फॉर्मला होता है शेयर दे उन्होंने 48 अब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है टेन रुपीज का तो मतलब कितने शेयर्स हो एट्टी थाउजेंड शेयर हो गए ठीक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है टेन रुपीज का थ्री लाख रुपीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आफ्टर थर्टी फाइव परसेंट टैक्स दे रखा है टू लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड तो अब क्या होगा इसमें से सबसे पहले मैं प्रेफरेंस करूंगा। जो अमाउंट बचेगीसेंट ऑफ थ्री लाख रुपीज तो नाइन परसेंट हो गया थ्री लाख ,00 का थ्री लाख ,00 का नाइन परसेंट हो गया हमारे पास ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज मतलब टू थाउजेंड में से अगर मैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज माइनस करूं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड माइनस करूँ तो ये बचेगा हमारे पास टू लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज मतलब ये टू लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में और टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं हमारे पास एट्टी थाउजेंड तो डिवाइडेड बाई एट्टी थाउजेंड तो ये कट कट तो एट थ्री है ट्वेंटी फोर तो हमारा ई पी एस कितना आ गया थ्री आ गया तो ये हमारे पास रेशियो क्या आ गई सिक्सटीन रेशियो आ गई ठीक है फोर्टी एट डिवाइड बाई थ्री तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका टाइम्स तो हमारा पीई रेशियो कितना आ गया सिक्सटीन टाइम्स ठीक है रेशियो वाले चैप्टर में एमसीक्यूज में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अगर हमें रेशियोज के फॉर्मुले याद हैं तो एमसीक्यूज बहुत इजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे और याद रटने तो है ही नहीं हमें फॉर्मुले या तो हम नेम से ड्राइव कर पाएंगे या उसके मीनिंग से ड्राइव कर पाएंगे कि भाई रेशियो है किस चीज की जैसे अब यहां पे प्राइस अर्निंग में क्या था प्राइस रखना था अपॉन में अर्निंग्स रखनी थी प्राइस मार्केट प्राइस अर्निंग्स अर्निंग पेअ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड पे आउट रेशियो इज फॉर्मूला दे रखा है एमपीएस अपॉन में डीपीएस एमपीएस का मतलब क्या हो गया मार्केट प्राइस शेयर पर शेयर और डीपीएस का हो गया डिविडेंड पर शेयर लिख देता हूं एमपीएस जो इधर है वो है मार्केट प्राइस पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर और डीपीएस क्या है डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पर शेयर और हमारा एक टर्म दे रखिए ईपीएस ईपीएस क्या होता है सर अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर ठीक है ये हमारी डिटेल्स दे रखी है अब ध्यान से सुनना जो हमारा ये ईपीएस और डीपीएस में फर्क क्या होता है अगर मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊं तो होता क्या है सबसे पहले सेल्स होती है सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होते हैं तो हमारे पास क्या आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स इंटरेस्ट माइनस होता है तो हमारे पास बसता क्या है अर्निंग्स बिफोर टैक्स अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास बस्ता क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंट दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंट के बाद जो अमाउंट बचती है जो भी अमाउंट बचती है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है मान लो तो इसको कैसे निकालेंगे जो भी अमाउंट आई एक्स एक्स को हम डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी में उससे जो अमाउंट आएगी दैट विल बी ईपीएस कि मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया और ये अमाउंट आई वन लाख रुपीज और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर टेन थाउजेंड तो ईपीएस कितना हो गया टेन रुपीज तो ईपीएस कितना हो गया टेन रुपीज अब होता क्या है ईपीएस जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरा का पूरा अर्निंग पर शेयर शेयर होल्डर्स को दे दे मान लो मैंने एक शेयर खरीद रखा और ईपीएस आया टेन तो ये नहीं है कि कंपनी टेन रुपीज मेरे को देगी कंपनी इस ईपीएस में से कुछ परसेंट रिटेन करती है रिटेन या फिर सेव बोलूं और अलग दूसरा पोर्शन डिविडेंड में देती है मान लो कंपनी ने सिक्स रुपीज रिटेन करे और फोर रूपीज डिविडेंड में दिया ठीक है अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है बेटो कि जो डिविडेंड दिया कितना पोर्शन दिया ईपीएस का डिविडेंड कितना पोर्शन दिया ईपीएस का दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो ठीक है समझ आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस कि कितना डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पर शेयर क्या आ गया फोर रुपीज और अर्निंग पर शेयर क्या था टेन तो ये क्या जीरो पॉइंट फोर या फिर मैं बोलू फोर्टी परसेंट दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो कि कंपनी ने अपने ईपीएस में से कितना डिविडेंड दिया और मार्केट प्राइस तो वो होता है जो मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा होता है

माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इन सब में से सी ओ जी एस का फॉर्मूला कौन सा है देखो फर्क क्या है यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स बोल रखा है और इसमें क्या फर्क है इन तीनों में नेट परचेज है और इसमें नेट परचेजेस नहीं है ठीक है ना अब सी ओ जी एस होता क्या है CEO जिसका मैं लेटरल मीनिंग या लेमन लैंग्वेज में मीनिंग बोलूं तो कितनी कॉस्ट लगी प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट लगी प्रोडक्शन करने में अगर याद नहीं होता तो अब से याद रहेगा हम क्लास इलेवन ट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे याद हो तो पी एंड एल से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे सबसे पहले क्या लिखते थे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करते थे और अंदर वाली साइड चेज रिटर्न को माइनस करते थे फिर अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे सारे और यहां क्या करते थे क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स और मतलब एक सेल्स लिखते थे प्लस नहीं प्लस सेल्स लिखते थे और यहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था अगर मैं सीओजीएस की बात करूं तो प्रोडक्शन करने पे हमारा यही खर्चा आया होगा ना बस यही चीज हमारे सीओजीएस होती है अब होता क्या है कि सारे के सारे गुड्स उस साल सेल होते नहीं उसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं हम इसमें से ताकि इस साल की सीओजीएस आ जाए यही फॉर्मुला होगा देखो ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक हो गया प्लस नेट परचेजेस आएगा नेट परचेजेस क्यों आएगा सर परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न तो मतलब ये वाला फॉर्मुला तो वैसे कैंसल आउट हो गया फिर

और दूसरा तरीका कैसे हो सकता है सीओजीएस निकालने का हम क्या करें हम क्या करें सेल्स में से सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें मान लो अगर क्लोजिंग स्टॉक जीरो दे रखा है तो कभी क्वेश्चन में इस थुरू, इसके थ्रू भी निकल जाता है कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया जाता ठीक है चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सिक्स लाख रुपीज़ का नेट फिक्सड एसेट्स ट्वेंटी लाख रुपीज़ के नेटवर्किंग कैपिटल टेन लाख करंट एसेट्स इलेवन लाख कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है आर ओ आई निकालना है आर ओ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा कैपिटल इम्प्लॉयड क्या है ई बी आई टी अगर मैं बात बोलूं ई बी आई टी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल इंप्लॉयड यही होता है है ना अब यहां पे क्वेश्चन में ईबीआईटी को दे है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सिक्स लाख रुपीज का अब प्रॉब्लम आई कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है पहले तो हम ये मतलब समझेंगे सर कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है देखो फिर से मैं अगर बैलेंस शीट पर जाऊं तो सबसे पहले आता है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर फंड जिसमें हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है मतलब एक इक्विटी होता है रिजर्व एंड सरप्लस होता है माइनस एसेट ये हमारा पोर्शन होता है किसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का इसमें अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड कर दें तो ये पोर्शन बढ़ जाता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड का ये बेसिक बेसिक याद रखो ना कभी कोई न्यूमेरिकल uh, गलत नहीं होंगे या फिर इसे हम बोलते थे इक्विटी अगर इसमें हम लॉन्ग टर्म लोन या फिर नॉन करंट को ऐड कर दें तो यह प्रपोर्शन बन जाता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का किसका बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड का तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया इक्विटी शेयर प्लस रेफरेंस शेयर प्लस लॉन्ग टर्म लोन ठीक है अब हमें क्या करना है इंफॉर्मेशन ढूंढनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन में देखा जब मैंने रीड किया तो मुझे पता चला ये सब कुछ तो दे नहीं रखा इन्होंने एसेट्स की बात कर रखी है अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल एसेट्स में अगर मैं बैलेंस शीट देखूं बैलेंस शीट में यही होता है ना शेयर होल्डर्स फंड फिर यहां पे नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज यहां पे नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स अगर मैं लाइबलिटी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पोर्शन है कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर मैं इस टोटल में से इस टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास ये निकल जाएगा यही चीज हमें यहां पे करनी होगी नेट फिक्स एसेट्स दे रखे हैं मतलब एक बार के लिए मान लू नेट नॉन करंट एसेट्स जो कि हमारे ट्वेंटी लैख फिर अगली चीज उन्होंने दे रखी है नेट वर्किंग कैपिटल सर नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज मतलब करंट एसेट्स में से करंट ऑलरेडी माइनस करके दे दी तो मैं अगर 20 लाख में ही सिर्फ 10 लाख रुपए ऐड कर दूं तो दिस टोटल माइनस दिस अमाउंट आ जाएगी मेरे पास थर्टी लाख रुपीज की तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा लाख ठीक है समझ आया करना क्या है इसमें से इसको माइनस करना है और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है करंट एसेट्स माइनस करंट लेबिलिटीज मतलब जे वाला पोर्शन दे रखा है टेन लाख और जे वाला पोर्शन दे रखा है ट्वेंटी लाख तो ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी लाख रुपीज हमारा कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इसको इरेज कर देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया हमारे पास थर्टी लाख रुपीस और इन टू हंड्रेड अगर परसेंटेज में निकालनी है तो तो ये कट गया ये फाइव आ गया ये आ गया ट्वेंटी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी परसेंट ठीक है अगर हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम कोई भी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा डैश टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो मीन लार्जर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर लोअर हायर कॉन्स्टेंट नी टोटल मतलब टोटल डिवाइडेड बाय डेट लार्जर सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या हो गया अच्छी बात अच्छी बात कब होगी जब यह रेशियो हायर होगी या लोअर होगी सेम रहेगी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कॉन्स्टेंट की बात करें और सेफ्टी मार्जिन किसके लिए लैंडर्स के लिए बात कर रहे हैं डेट के प्रपोशनट में अगर हमारे टोटल एसेट्स ज्यादा होंगे डेटर सब खुश होंगे या कम होंगे तब खुश होंगे बस इस क्वेश्चन का आंसर दो जो डेटर्स हैं और डेटर्स कहो सॉरी लैंडर्स हैं डेट है जिनका लैंडर्स दोबारा सुन लो जो लैंडर्स हैं वो कब खुश होंगे जब कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स होंगे या जब कंपनी के पास कम एसेट्स होंगे ऑब्वियस है सर जब कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स होंगे क्यों हमें टेंशन नहीं होगी लैंडर्स को टेंशन नहीं होगी कि पैसा वापसी आएगा नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा एसेट्स हैं उनको बेच के वो ईजिली अपना पैसा निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली भी तो यही होता है कि इंसान अमीर को लोन ईजिली दे देता है गरीब को लोन नहीं देता चाहे वो जितना मर्जी सच्चा हो क्यों हमारे माइंड में आ, पता होता है कि भाई वो अगर हमारे माइंड में पहले से ही होता है कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि वो रिच है तो लार्जर सेफ्टी ऑफ मार्जिन कब होगा जब हमारे टोटल एसेट ज्यादा होंगे और टोटल ज्यादा होंगे तभी हायर सेफ्टी ऑफ मार्जिन होगा और टोटल एसेट ज्यादा होंगे तो हमारी रेशियो क्या होगी हायर होगी देखो इस रेशियो से हमारा पता क्या चलता है इस रेशियो से पता क्या चलता है कि डेट वाले देख पा रहे हैं कि उनके डेट से प्रपोर्सनेट कितना टोटल पड़ा है कंपनी के पास अगर ज्यादा पड़ा है तो अच्छी बात कम पड़ा है तो बेकार बात हमें लार्जर सेफ्टी मार्जिन की बात करनी है इसलिए आंसर हायर जितना ज्यादा टोटल एसेट्स होगा जितना ज्यादा टोटल एसेट्स उतना अच्छा होगा होल्डर सही से देखी है तो आप इसका आंसर बहुत ही इजिली कर पाओगे शेयर होल्डर्स कंसिस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर ऑल ठीक है अगर फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और आइकन पे प्रेस कर देना अब अगले थर्सडे मिलेंगे कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं नेक्स्ट थर्सडे टू एम टू पी एम पी लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो वो मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स पे। मैं उससे रिलेटेड एम सी क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून